नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे कमोडिटी पैक में नहीं, हम इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, बिटकॉइन सभी एसेट क्लास में हमने ज़बरदस्त गिरावट आती हुई देखी। ज़्यादा करके माना यह भी जाता है कि मई में बेच के चलिए, मार्केट में गिरावट रहती है, और ऐसे ही कुछ हाल हमने इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी सभी में आते हुए देखा। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो सबसे पहले सोने चांदी की बात करते हैं, जहाँ पे हमने गोल्ड में तो 2.5% की गिरावट आती हुई देखी और चांदी में 5% के करीब की गिरावट आती हुई देखी। जिस ढंग से अनसर्टेनिटी को लेकर या हॉकी स्टॉन फेड को लेकर हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 104 का भी लेवल पार कर चुका है, बॉन्ड यील्ड में तेजी बनी हुई है, और कहीं ना कहीं रेट हाइक जून में और हो सकती है। इसके चलते सोने चांदी दोनों में ही हमने ज़बरदस्त गिरावट आती हुई देखी। इनफैक्ट इंटरनेशनल में 1800 का लेवल ऑलमोस्ट छूता हुआ दिखाई दिया और 2050 के करीब हमने इंटरनेशनल में चांदी को भी आते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बहुत सपोर्ट था रुपए की वजह से, जहाँ पे रुपए में भी हमने गिरावट आते हुए देखी और प्राइजेस जिसके चलते 2.5% की गिरावट M6 पे और 5% की गिरावट चांदी में आती हुई दिखाई दी, जहाँ 49,900 के करीब गोल्ड और 59,400 के करीब चांदी बंद हुई। अगले हफ्ते भी ऐसा लगता है कि फंडामेंटल साइड प्रेशर तो है, बिकॉज की लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट वही दूसरी ओर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल में गोल्ड ने करीबन 200 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है, जो कहीं ना कहीं टेक्निकली ओवरसोल्ड में होने की वजह से कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट दे भी सकता है। तो ओवरऑल वेट एंड वॉच वाली अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए, और मोस्ट प्रॉब्ली मंगलवार ऑनवर्ड्स हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक देखने मिलना चाहिए, जो 1850-60 तक का लेवल गोल्ड में, वही चांदी 2180 से $22 तक का लेवल दिखा सकती है। डोमेस्टिक मार्केट पे अगर प्राइजेस 48,500 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो मे बी पॉसिबल है कि हम 51,200 तक का पुल बैक देख पाएंगे, लेकिन बड़ी तेजी के लिए 51,200 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। चांदी के लिए भी 61,000 के ऊपर होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं एनर्जी पैक के अंदर क्रूड में तो हमने स्टेबिलिटी, जबकि नेचुरल गैस में 5% की गिरावट आती हुई दिखी है। कहीं ना कहीं अभी भी डिमांड कंसर्न्स बना हुआ है चाइना के लॉकडाउन को लेकर, जिसके चलते हमने क्रूड में तो गिरावट आती हुई देखी, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से रिकवरी इसलिए भी थी क्योंकि जो सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ है रशिया को लेकर, ये प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट में भी हमने देखा 100 से $112 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है। वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ते हुए दिखाई देगी, बट जो ओपेक मेंबर्स ने बताया है कि जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कर्टल डाउन होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि ग्रोथ प्रोजेक्शन 2022 के लिए सभी का कम बताया जा रहा है, जिसके चलते प्राइजेस को कहीं ना कहीं दबाव देखना पड़ेगा। नेचुरल गैस में भी वेदर कंडीशन की वजह से प्राइजेस में थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर है, बट कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स के चलते प्राइजेस को सपोर्ट भी मिल रहा है। ये हफ्ते में हमने देखा कि प्राइजेस 506 रुपये से लेकर 600 का लेवल, मतलब 100 रुपये से ज़्यादा की तेजी मंदी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं 620 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, वहीं 500 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगले हफ्ते भी प्राइजेस करेक्शन करते हुए दिखाई देगी, लेकिन बड़ी मंदी के लिए 500 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इम्पॉर्टेंट है। तो नेचुरल गैस में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए, क्रूड के अंदर भी 8200 के पुलबैक पे लेके चलिए, 8600 का लेवल तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, प्राइजेस ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप रखिए, रेंज जो रहेगा 8000 से 8650 का रेंज रहेगा। वहीं बेस मेटल की अगर बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने ज़बरदस्त गिरावट आते हुए दिखी। कॉपर में 1%, जिंक के अंदर 5.5%, निकल के अंदर 7%, लेड में 3%, और वहीं एल्यूमिनियम में भी 1.5% की गिरावट आती हुई दिखी। चाइना मार्केट एक्सटेंडेड लॉकडाउन के चलते प्राइजेस में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर डॉलर में तेजी की वजह से भी पूरे बेस मेटल पैक के अंदर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि चाइना अगले हफ्ते से ओपन अप होता है तो कहीं ना कहीं बेस मेटल की डिमांड इंप्रूव होगी, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर सपोर्ट करने के लिए चाइनीज़ बैंक काफ़ी सपोर्टिव स्टेप्स ले रही है, जो प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। ओवरऑल ट्रेड स्लोडाउन की वजह से डिमांड में ड्रॉप है, जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल में गिरावट थी। टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से डाउनसाइड लिमिटेड दिखाई दे रहा है, जहां कॉपर 736 से 740 का एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 765 का इमीडिएट रेजिस्टेंट है। जिंक की अगर बात करें तो 300 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, 318 के ऊपर ही हमें अच्छी रिकवरी देखेंगे, बट अगला हफ्ता एक रिकवरी भरा रहेगा। लेड पहले भी हमने देखा 180 से 190 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, काफ़ी एट्रेक्टिव लेवल्स पे लेड बना हुआ है, जहाँ पे लेके चल सकते हैं। और अंत में अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो प्राइजेस ने
230 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना के चल रहा है। अनलेस अनटिल ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबल है 240 से 244 तक का लेवल देखने मिल जाए। बट ध्यान रखिए, चाइना मार्केट ओपन होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से हमें पॉजिटिव रेफरेंसेस मिलेंगे पूरे बेस मेटल पैक के लिए। धन्यवाद।